गाइस अब हम घूम चुके हैं नानक मत्ता, तो अब चलते हैं नानक सागर की तरफ। ये नीरज भाई को मजा आ गया यहाँ लग रहा है मेरे को। हेलो, वापस आएंगे एक दिन और आने की बात कर रहे हैं। नानक मत्ता से हम अब नानक सागर की तरफ चलते हैं जो डैम है। काफी बड़ा वाला ट्रैफिक लग गया है, काफी बड़ा। गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं नानक मत्ता डैम में। ये रहा नानक मत्ता डैम। ये डैम नंदौर नदी पर बना है जो सिंचाई परियोजना है। इसे नानक सागर भी कहा जाता है जो वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के लिए बनाया गया था। इसका मुख्यालय बरेली में था। यहाँ से डैम के पानी को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से छोड़ा जाता है पानी। ये रहा डैम का हिस्सा। ये डैम देखने में बिल्कुल समुद्र जैसा दिखाई देता है, इसके दूसरे किनारे तक नज़र ही नहीं पहुंचती है। एकदम समुद्र जैसा ही लग रहा है। यहाँ पर सिंचाई विभाग की पार्किंग है। गाइस अब मैं जा रहा हूँ डैम में, देखता हूँ डैम को एकदम करीब से। आजकल यहाँ पानी काफ़ी कम हुआ है, शायद पानी छोड़ा होगा गर्मियों में। वैसे भी और नहीं जाऊँ, रुक फिर।
तो पूरा हिल रहा है यार। नीचे ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।